आज मैं नरेंद्र सिंह तोमर आनंद श्री भैरव जी का चालीसा का उच्चारण कर रहा हूं। श्री भैरव जी का चालीसा उच्चारण करने से पूर्व हम कुछ बातें आपको बताना चाहेंगे। एक तो ये कि भैरव भगवान शिव के ही अंश हैं, अवतार हैं, मां काली के पुत्र हैं और उनके सबसे उग्र स्वरूप हैं। ब्रह्मा जी के पांच मुख थे तो ब्रह्मा जी पंचम वेद रचना चाहते थे, तो जब देवताओं ने मना किया, देवता नहीं चाहते थे कि वे पंचम वेद की रचना करें, और ब्रह्मा जी जब मान नहीं रहे थे तब देवताओं ने शंकर जी से अनुरोध किया, तो भगवान शिव ने बटुक भैरव जी की उत्पत्ति की और बटुक भैरव ने शंकर जी का पांचवा मस्तक, वो ब्रह्मा जी का पांचवा मस्तक काट दिया शंकर जी के आदेश पर। ब्रह्मा जी का पांचवा मस्तक काट दिया तो उससे उन्हें आत्मज्ञानी हुई, शोभ हुई, तो इधर उधर भटकते फिरे शांति के लिए, और जब उन्हें शांति नहीं मिली तो भगवान शंकर की शरण में गए, तो भगवान शंकर ने उन्हें उज्जैन में जाकर के साधना और तपस्या करने का आदेश दिया। उज्जैन में जाकर के उन्होंने साधना और तपस्या वहां शुरू की और वहां पर भैरव मौजूद रहते हैं और मदिरापान करते हैं और अपने पूर्ण स्वरूप और पूर्ण शक्तियों के साथ विद्यमान रहते हैं। भैरव को काशी का कोतवाल भी कहा जाता। दूसरी बात यह कि जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तब भगवान श्री कृष्ण के आदेश और संकेत के साथ पांडव मां हरसिद्धि देवी को लेने गए युद्ध में विजय प्राप्ति के लिए, मां की स्तुति और आराधना की। तो मां की स्तुति और आराधना के बाद में जब पांडव उनको लेकर के आए तो वह मंदिर यहां मुरैना मध्य प्रदेश जिले में कुंतलपुर में बना हुआ है, वहां पर उन्होंने उन देवी को बिठाया है, स्थापना की। तो वहां पर देवी की विग्रह स्थापित हैं और बहुत विशाल मंदिर बना हुआ है जो कि श्री कृष्ण जी और अर्जुन जी द्वारा, अर्जुन की ननसार है कुंतलपुर, उसमें बना हुआ। उसके बाद महाभारत के मैदान में स्तुति की। महाभारत के भीष्म पर्व में यह उल्लेख है देवी की स्तुति की, तो देवी वहां प्रकट हुई, देवी ने आकाशवाणी कर दी और बोले कि तुम्हें तो तत्क्षण विजय मिल जाएगी, तुरंत विजय मिल जाएगी, तुम्हारी तो विजय में कहीं कोई दिक्कत है ही नहीं, बड़ी आसानी से विजय प्राप्त कर लोगे। तो खैर वो जो वहां उन्होंने स्तुति की देवी की और फिर देवी ने जिस प्रकार से उन्हें विजय दिलाई वो वृत्तांत फिर कभी कहा जाएगा। इस समय उनके पुत्र मां महाकाली के पुत्र श्री भैरव जी, जिनका पांडवों ने मंदिर बनवाया, बटुक भैरव का मंदिर पांडवों ने बनवाया है, प्राचीन मंदिर है दिल्ली में बना हुआ है और अपने ही किले में, इंद्रप्रस्थ किले में उस मंदिर का निर्माण करवाया, जिसे दिल्ली वाले प्राचीन भैरों का मंदिर कहते हैं। तो वो हमारे पूर्वजों ने, पांडवों ने बनवाया था। संयोगवश चूंकि मैं नरेंद्र सिंह तोमर अर्जुन का वंशज हूं, तो तोमर
पांडव अर्जुन के वंशज हैं। ये एक वंशावली है कि अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु थे। अर्जुन की जो प्रेमिका और पत्नी थी सुभद्रा, भगवान श्री कृष्ण की बहन, उनसे पुत्र हुए थे अभिमन्यु। अभिमन्यु और उत्तरा उनके पुत्र थे परीक्षित, परीक्षित के पुत्र थे जनमेंजय। इस प्रकार से ये वंशावली आगे बढ़ती गई बढ़ती गई और दिल्ली पर 5500 वर्ष का साम्राज्य करने के बाद में तोमर राजवंश, महाराजा नंगापाल सिंह तोमर द्वारा वहां दिल्ली में किल्ली गाड़ी गई और वो किल्ली फिर हो गई दिल्ली। तब से इंद्रप्रस्थ पहले उसका नाम था, तो वो दिल्ली दिल्ली होते होते उसे अपभ्रंश के बाद दिल्ली के दिल्ली कहा जाने लगा। वो असल में नाम उसका दिल्ली है, किल्ली दिल्ली हो जाने से वो एक अलग कहानी एक अलग वृत्तांत है। चूंकि यह भैरव जी का मंदिर वहां पर बनवाया, भैरव जी की हमारे वंश में आराधना उपासना होती है, हमारी जो कुलदेवी हैं वो योगेश्वरी हैं, योग माया हैं, योग माया का मंदिर भी वहीं इंद्रप्रस्थ के किले में बना हुआ है और वे साक्षात महाकाली हैं, उग्र चंडी हैं, रणचंडी हैं और देवी का जो सबसे खूंखार रूप है चंडिका वो हैं। वे महाकाली और जिस प्रकार से स्तुति की है, जो जो नाम उनके अर्जुन ने उस स्तुति में लिए हैं उसका उच्चारण हम फिर कभी करेंगे, लेकिन उनके पुत्र भैरव जी इन्होंने पांडवों का अर्जुन का हमारे वंश का हमेशा से ही साथ दिया, हमेशा से ही कृपा बनाकर रखी, हमेशा ही तोमर राजवंश की रक्षा की है, हमेशा ही उनकी दया कृपा निधि समृद्धि सब तोमरों को प्राप्त होती रही। तो आज पुनः श्री भैरव चालीसा जी का, भैरव जी का जो चालीसा हम यहाँ उसका उच्चारण कर रहे हैं। संयोग से चूंकि अर्जुन का वंशज हूं, महाराजा नंगापाल सिंह तोमर की मैं 23वीं पीढ़ी हूं और हम लोगों को वैसे दिल्ली पथ कहा जाता है, तो 23वीं पीढ़ी पुनः अपने पुरखों के मंदिर का, अपने पुरखों के भैरव का, अपने पुरखों की देवी का स्मरण कर रही है और ये उनकी 23वीं पीढ़ी की आवाज है जो कि अपनी कुलदेवी कुलदेवता अपने भैरव उनका स्मरण करते हुए हर्ष से मन पुलकित हो रहा है। इसके साथ ही मैं यहां पर श्री भैरव चालीसा का उच्चारण कर रहा हूं। जय जय श्री भैरवनाथ। ओम बम बटुकाय नमः। विश्वनाथ को सुनिर्मन धर गणेश का ध्यान, भैरव चालीसा कहूं कृपा करहु भगवान। बटुकनाथ भैरव भजम श्री काली के लाल, नरेंद्र सिंह पर कृपा करें काशी के कुतवाल। जय जय श्री काली के लाला, रहो दास पर सदा दयाला, भैरव भीषण भीम कपाली
क्रोधवंत लोचन में लाली, क्रोधवंत लोचन में लाली, कर त्रिशूल में है कठिन कराला, गल में प्रभु मुंडन की माला, कर त्रिशूल में है कठिन कराला, गल में प्रभु मुंडन की माला, कृष्ण रूप तन वर्ष विशाला, पीकर मद रहता मतवाला, पीकर मद रहता मतवाला, रुद्र बटुक भक्तन के संगी, प्रेतनाथ भूतेश भुजंगी, रुद्र बटुक भक्तन के संगी, प्रेतनाथ भूतेश भुजंगी, त्रेलतेश है नाम तुम्हारा, चक्रतुंड अमरेश प्यारा, त्रैलतेश है नाम तुम्हारा, चक्रतुंड अमरेश प्यारा, शेखर चंद्र कपाल विराजे, श्वान सवारी पे प्रभु गाजे, शेखर चंद्र कृपाल विराजे, श्वान सवारी पे प्रभु गाजे, श्री भैरव जी ने चंद्र वंश को, हम पांडव तोमर वंश के लोग चंद्रवंश चंद्रवंशी हैं और चंद्रमा से हमारी उत्पत्ति है, अपने मस्तक पर धारण किया है भगवान शिव ने और भगवान भैरव ने, यह गौरव जो प्रदान किया है, इसीलिए चंद्रवंश में भगवान शिव की, भैरव की, मां महाकाली की, इनकी भक्ति की जाती है। हम इस चालीसा को अब आगे बढ़ाते हैं। श्री गणपति गुरु गौरी पद प्रेम सहित धरि माथ, श्री गणपति गुरु गौरी पद प्रेम सहित धरि माथ, चालीसा वंदन करो श्री शिव भैरव नाथ, श्री भैरव संकट हरण मंगल करण कृपाल, श्री भैरव संकट हरण मंगल करण कृपाल, श्याम बरन विकराल वपु लोचन लाल विशाल, जय जय श्री काली के लाला, जयत जयत काशी कुतवाला, जयत बटुक भैरव भयहारी, जयत काल भैरव बलकारी, जयत नाथ भैरव विख्याता, जयत सर्व भैरव सुखदाता, भैरव रूप कियो शिव धारण, भव के पार उतारन कारण, भैरव राव सुनी भय भय दूरी, सब विधि होए कामना पूरी, भैरव राव सुनी भय भय दूरी, सब विधि होए कामना पूरी, शेष महेश आदि गुण गायो, काशी को कुतवाल कहायो, काशी को कुतवाल कहायो, जटा जूट शिर चंद्र विराजत, जटा जूट शिर चंद्र विराजत, बाला मुकुट विजयाथ साजत,
बाला मुकुट विजयाथ साजत, कटी कर धनी घुंगुरु बाजत, घर्षण करत सकल भय भाजत, कटी कर धनी घुंगुरु बाजत, घर्षण करत सकल भय भाजत। ओ जीवन दान दास को दीनो, कीनो कृपा नाथ तब चीनो, बसी रसना बनी सारद काली, दीनो वर राख्यो मम लाली, बसी रसना बनी सारद काली, दीनो वर राख्यो मम लाली। धन्य धन्य भैरव भय भंजन, जय मन रंजन खल दल भंजन, धन्य धन्य भैरव भव भंजन, जय मन रंजन खल दल भंजन। कर त्रिशूल डमरू शुचि कोड़ा, कृपा कटाक्ष सुयश नहीं थोड़ा, कर त्रिशूल डमरू शुचि कोड़ा, कृपा कटाक्ष सुयश नहीं थोड़ा। जो भैरव निर्भय गुण गावत, अष्ट सिद्धि नव निधि फल पावत, जो भैरव निर्भय गुण गावत, अष्ट सिद्धि नव निधि फल पावत। रूप विशाल कठिन दुख मोचन, क्रोध कराल लाल दुहु लोचन, रूप विशाल कठिन दुख मोचन, क्रोध कराल लाल दुहु लोचन। अगणित भूत प्रेत संग दौलत, बम 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 शिव बम बम बोलत, अगणित भूत प्रेत संग दौलत, बम 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 शिव बम बम बोलत। रुद्र काय काली के लाला, महाकलाहू के हो लाला, रुद्र काय काली के लाला, महाकलाहू के हो लाला। बटुकनाथ हो काल गंभीर, श्वेत रक्त अरु श्याम शरीर, बटुकनाथ हो काल गंभीर, श्वेत रक्त अरु श्याम शरीर। करत तिन्नुम रूप प्रकाशा, भारत सुभक्तन कह शुभ आशा, करत तिन्नुम रूप प्रकाशा, भारत सुभक्तन कह शुभ आशा। रत्न जड़ित कंचन सिंहासन, रत्न जड़ित कंचन सिंहासन, व्यग्र चर्म शुचि नरम सुवासन। तुनी जाय काशी ही जन ध्यावहीं, विश्वनाथ कह दर्शन पावहीं, तुमय जाय काशी ही जन ध्यावहीं, विश्वनाथ कह दर्शन पावहीं। जाया प्रभु संघारक सुनंद जय, जाया उन्नत हर उमानंद जय, भीम त्रिलोचन स्वान साथ जय, बैजनाथ श्री जगन्नाथ जगतनाथ जय। जाया प्रभु संघारक सुनंद जय, जाया उन्नत हर उमानंद जय, भीम त्रिलोचन स्वान साथ जय, बैजनाथ श्री जगतनाथ जय। महाभीम भीषण शरीर जय, रुद्र त्रयंबक धीर वीर जय, अश्वनाथ जय प्रेतनाथ जय, स्वानारूढ़ सह चंद्रनाथ जय। महाभीम भीषण शरीर जय, रुद्र त्रयंबक धीर वीर जय, अश्वनाथ जय प्रेतनाथ जय, श्वानारूढ़ सह चंद्रनाथ जय। निमिष दिगंबर चक्रनाथ जय,
गहत नाथ ननाथ हाथ जय, त्रेश लेश भूतेश चंद्र जय, क्रोध वत्स अमरेश नंद जय, श्री बामन नकुलेश चंड जय, कृत्यायु कीरत प्रचंड जय, रुद्र बटुक क्रोधेश काल धर, चक्र तुंड दश पानी व्याल धर, करिमद पान शंभु गुण गावत, करिमद पान शंभु गुण गावत, 64 योगिनी संग न चावत, 64 योगिनी संग न चावत, करिमद पान प्रंभु, करिमद पान शंभु गुण गावत, 64 योगिनी संग न चावत, 64 योगिनी संग न चावत, करत ड्रिप जन पर बहु ढंगा, काशी कोतवाल अड़बंगा, करत ड्रिप जन पर बहु ढंगा, काशी कोतवाल अड़बंगा, करत ड्रिप जन पर बहु ढंगा, काशी कोतवाल अड़बंगा, देय काल भैरव जब सोता, नसय पाप मोटा से मोटा, देय काल भैरव जब श्रोता, नसय पाप मोटे से मोटा, जान ही निर्मल हो ये शरीरा, मिटे सकल संकट भव भी पीरा, जान ही निर्मल हो ये शरीरा, मिटे सकल संकट भव पीरा, श्री भैरव भूतों के राजा, वादा हरत करत शुभ काजा, श्री भैरव भूतों के राजा, वादा हरत करत शुभ काजा, एलादि के दुख निवारो, सदा कृपा करी काज संभारो, सदा कृपा करी काज संभारो, सुंदर दास सहित अनुरागा, श्री दुर्वासा निकट प्रयागा, श्री भैरव जी की जय लिखियो, सकल कामना पूरन देखियो, श्री भैरव जी की जय लिखियो, सकल कामना पूर्ण देखियो। श्री प्रभु श्री भैरव प्रभु जी चालीसा हमने कहा, हम अर्जुन पांडव के हैं वंश, नरेंद्र सिंह तोमर नाम है, हम वही पाए कृपा, पांडव अर्जुन के हैं अंश, प्रभु हमारे पितृगण, पांडवों ने मंदिर बना, आपकी आराधन सदा करी, आज कठिन फिर संकट में हम हैं पड़े, पांडव फिर से शरण तुम्हारी, सदा हमारा साथ दिया, माता काली ने महाभारत में हमें आन जिताया, सदा हमारा साथ दिया, माता काली ने महाभारत में हमें आन जिताया, ओ बन चंडी कारण चंडी बन, शत्रु दल पर टूट पड़ी और मान बढ़ाया, योग माया योगेश्वरी बन, बिजली लपक पड़ी, योग माया योगेश्वरी बन, बिजली लपक पड़ी,
ओम मारण कर डाला सब शत्रु दल, तुम मात भवानी काली के जाए, काली के हम भी कृपा पाए पूत के वंश। आज सुमिर प्रभु पुन आपको जो कृपा करी सदा, कृपा मांग रहा फिर अंश। आज सुमिर प्रभु पुन आपको जो कृपा करी सदा, कृपा मांगे व अंश। ओ जय श्री भैरव नाथ महाराज। ओम बम बटुकाय नमः। जय जय भैरव बटुक स्वामी संकट टार, जय जय भैरव बटुक स्वामी संकट टार, कृपा दास पर कीजिए शंकर के अवतार। जो यह चालीसा पढ़े प्रेम सहित सतबार, उस पर सर्वानंद हो वैभव बड़े अपार। जो यह चालीसा पढ़े प्रेम सहित सतबार, उस पर सर्वानंद हो वैभव बड़े अपार, वैभव बड़े अपार। जय जय श्री भैरव जी महाराज की जय। ओम ब्रह्म भैरवाय फट, ओम ब्रह्म भैरवाय स्वाहा, ओम ब्रह्म भैरवाय स्वधा, ओम ब्रह्म भैरवाय वशट, ओम ब्रह्म भैरवाय बहुषट, ओम ब्रह्म भैरवाय नमः, ओम ब्रह्म भैरवाय नमः स्वाहा, ओम ब्रह्म भैरवाय नमः स्वाहा, ओम बम बटुकाय नमः स्वाहा, ओम बम बटुकाय नमः, ओम बम बटुकाय नमः स्वाहा, ओम बम बटुकाय नमः स्वाहा, ओम बम बटुकाय नमः स्वाहा। जय श्री भैरव जी महाराज की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब हम श्री भैरव जी का जंजीरा यहाँ उच्चारण कर रहे हैं। मैं नरेंद्र सिंह तोमर आनंद श्री भैरव जी का यहाँ जंजीरा उच्चारण कर रहा हूँ। इस भैरव जी का जंजीरा के बारे में कृपया यह ध्यान रखें, इसका उपयोग काला जादू में भी किया जाता है और मूठ या मारण मंत्र के रूप में भी प्रयुक्त किया जाता है। मूठ जो भरी जाती है, मूठ आपने सुना होगा। चौकी के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। मूठ और मारण इनके लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। रक्षा के लिए भी किया जाता है, मूठ रोकने के लिए भी किया जाता है, मारण रोकने के लिए भी किया जाता है, चौकी को खत्म करने काटने के लिए भी किया जाता है। तो ये मूठ मारण चौकी काला जादू, इनको करने और इन्हें काटने पलटने या वापस उसी पर भेज देने के लिए भी किया जाता है। तो ये दोनों कामों में प्रयोग होता है। अतः इसका विधि विधान प्रावधान आदि का हम यहां वर्णन नहीं करेंगे, केवल मंत्र का उच्चारण करेंगे, जिससे कि आप इसे सुनने और सुनते रहें और आपकी रक्षा बनी रहे, जिससे आप पर कोई भी मूठ मारण चौकी काला जादू आदि प्रयोग न कर सके, और करे तो आप अगर सुन रहे हैं या आपके घर में ये सुनाया सुना जा रहा है या बजाया जा रहा है,
तो वह अपने आप स्वतः ही वहां से पलट जाएगा, लौट करके वापस उसी करने वाले पर ही चला जाएगा। तो ये भैरव बाबा का है और सबसे खतरनाक इसको माना जाता है। ओम गुरु जी काला भैरो कपलाकेश काना मदरा भगवाबीश मार मार काली पुत्र बारे कोस की मार भूवा हाथ कलेजी खूहा गेड़िया जाम जाऊं भैरु सात बारे कोस की रिद्धि ले आओ चौबीस कोस की सिद्धि ले आओ सोत्यो हो तो जगाए लियाओ बैठो हो तो उठाई लियाओ अनंत केसर की भारी ले आवो गोरा पार्वती की बिछिया ले आवो गेले की रस्तान मोए कुवे की पणियारी मोए हाटा बैठिया बणिया मोए घर बैठी बणिया बणियाणी मोए राजा की रजबाड़ मोए महिला बैठी रानी मोए डकड़ी को सकड़ी को भूतड़ी को पली पलीतणी को ओपरी को पराई को लागकू लपटकू धूमकू धक्काकू अलियाकू पलिया को चौड़को चौवटको काचाको कलवाको भूतको पलीतको जिनको राक्षसको बैरिया से बरी कर दे। नजरा जड़ दे ताला इता भैरव नहीं करे तो पिका महादेव की जटा तोड़ तागड़ी करे माता पार्वती का चीड़ फाड़ लंगोट करे चल डकणी सकणी चौड़ू मेला बाकरा दैस्यू मद की धार भरी सभा में धूम ओलमो कहां लगाई थी वार खप्पर में खास सुसाण में लूटे ऐसे कुण काला भैरु की पूजा मेटे राजा मेटे राज से जाए प्रजा मेटे दूध पूत से जाए जोगी मेटे ध्यान से जाए शब्द साचा ब्रह्म वाचा चलो मंत्री ईश्वरो वाचा। इस भैरों की जंजीरे का मैं पुनः उच्चारण यहां कर रहा हूं और इसका पूर्वत में जैसे बताया केवल सुने उच्चारण करने का कति प्रयास न करें क्योंकि उच्चारण में थोड़ी सी भी त्रुटि बिंदी आयाम आवृत्ति या अक्षर या शब्द कुछ भी त्रुटि होगी तो आपको नुकसान हो जाएगा। और चूंकि यह सबसे खतरनाक जीरा माना जाता है जो काला जादू मूठ मारण चौकी सब कर्मों में प्रयोग किया जाता है और उनको काटने पलटने रोकने या वापस भेजने इन सब कामों में काम आता है। अतः कृपया खुद उच्चारण न करें केवल सुने। ओम गुरु जी काला मायरू कपलाकेश काना मदरा भगवावेश मार मार काली पुत्र बारे कोसकी मार भूआ हाथ कलेजी खूहा गेड़िया जा जाऊं भैरु सात बारह कोस की रिद्धि ले आवो चौबीस कोस की सिद्धि ले आवो सुत्यो हो तो जगाए ले आवो बैठ्यो हो तो उठाई ले आवो अनंत केसर की भारी ले आवो गोरा पार्वती की बिछिया ले आवो गेले की रस्तान मोए कुए की पणियारी मोए हाटा बैठा बणिया मोए घर बैठी बणियाणी मोए राजा की रजवाड़ मोए महिला बैठी रानी मोए डकणी को सकणी को भूतणी को पलीतणी को ओपरी को पराई को लागकू लपटकू धूमकू धक्काकू अलियाकू पलियाकू चौड़को चौवटको काचाको कलवाको भूतको पलीतको जिनको राक्षसको बैरिया से बरी कर दे। नजरा जड़ दे ताला इता भैरव नहीं करे तो पिका महादेव की जटा तोड़ तागड़ी करे माता पार्वती का चीर फाड़ लंगोट करे चल डकणी सकणी चौड़ू मेला बाकरा दैस्यू मद की धार भरी सभा में धूं ओलमो कहां लगाई थी वार खप्पर में खा सुसाण में लूटे ऐसे कुण काला भैरू की पूजा मेटे राजा मेटे राज से जाए प्रजा मेटे दूध पूत से जाए जोगी मेटे ध्यान से जाए शब्द साचा ब्रह्म वाचा चलो मंत्र फुरो ईश्वरो मंत्र वाचा। ओम श्री भैरवाय नमः ओम श्री भैरवाय नमः ओम ब्रह्म भैरवाय नमः स्वाहा ओम ब्रह्म भैरवाय नमः स्वाहा ओम ब्रह्म भैरवाय नमः स्वाहा ओम ब्रह्म भैरवाय नमः स्वाहा।
ओम नमः शिवाय 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 नमः शिवाय। जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आज हम सर्वप्रथम रक्षा मंत्र का उच्चारण करेंगे। मैं नरेंद्र सिंह तोमर आनंद आपके समक्ष पहले एक रक्षा मंत्र का उच्चारण यहां करूंगा, जिससे ये मंत्र आप प्रतिदिन इस सीडी पर सुनेंगे तो इसका नियम ये है कि एक माला निरंतर सुनी जाए, यानी 108 बार इसको एक दिन में सुना जाए तो फिर 21 दिन बाद हनुमान जी के मंदिर में जाकर के साधक को अगरबत्ती जलाना चाहिए और 21वें दिन उसी मंदिर में एक नारियल व लाल कपड़े की एक ध्वजा चढ़ाना चाहिए। और इस दरमियान जब के बीच में होने वाले अलौकिक चमत्कारों का अनुभव करके घबराना नहीं चाहिए। ये मंत्र भूत प्रेत डाकिनी शाकिनी नजर टपकार व शरीर की रक्षा के लिए अत्यंत सफल है। अब जैसे आप मान लीजिए कि 108 बार रोजाना नहीं सुन सकते हैं तो 21 का 108 में गुणा कर लें तो जितना सुनते हैं आप उतना जो गुणा आए, जैसे कि आप 108 के बजाय 21 माला वो 21 बार सुन रहे हैं इसको पत्र इस सीडी को, तो 21 को 108 दिन तक सुनना पड़ेगा। 21 बार मंत्र सुनेंगे तो आप उसे 108 दिन तक सुने, फिर 108 दिन बाद हनुमान जी के मंदिर में जाकर के ऊपर जो क्रिया बताई मैंने वो क्रिया करें। तो मैं नरेंद्र सिंह तोमर आनंद आपको हनुमान जी का ये रक्षा मंत्र है, जिसे जंजीरा बोलते हैं, उनका जंजीरा सुना रहा हूं। तो जंजीरा का उच्चारण कर रहा हूं और आप इस जंजीरा को निरंतर सुने, या तो 108 बार 21 दिन तक, या फिर 21 सुने तो 108 दिन तक, इस प्रकार से इसका मान या गुणा निकालें। ओम नमः शिवाय। ओम हनुमान पहलवान पहलवान बार बरस बारे का जवान, हाथ में लड्डू मुख में पान, खेल खेल गढ़ लंका के चौगान, अंजनी का पूत राम का दूत, छिण में कीलो नौ खंड का भूत, जाग जाग हनुमान हंकाला, ताती लोहा लंकाला, शीश जटा डग डेमू उमर गाजे, वज्र की कोटड़ी वज्र का ताला, आगे अर्जुन पीछे भीम, चोर नार चंपे ने सीन, अजराज हरे भरिया भरे, ई घट पिंड की रक्षा राजा रामचंद्र जी लक्ष्मण कुंवर हनुमान करे। इसका पुनः उच्चारण में कर रहा हूं। ओम हनुमान पहलवान पहलवान बरस बारह का जवान, हाथ में लड्डू मुख में पान, खेल खेल गढ़ लंका के चौगान, अंजनी का पूत राम का दूत, छिण में कीलो नौखंड का भूत,
जाग जाग हनुमान हंकाला, ताती लोहलंकाला, शीश जटा डग डेमू, उमर गाजे वज्र की कोटड़ी वज्र का ताला, आगे अर्जुन पीछे भीम, चोर नार चंपे पे नेसीन, अजरा झरे भरिया भरे, ई घट पिंड की रक्षा राजा रामचंद्र जी, लक्ष्मण कुमार हनुमान कड़े। ओम हनुमान पहलवान, पहलवान बरस बारह का जवान, हाथ में लड्डू मुख में पान, खेल खेल गढ़ लंका के चौगान, अंजनी का पूत राम का दूत, छिड़ में कीलो नौखंड का भूत, जाग जाग हनुमान हुंकाला, ताती लोहा का लंकाला, शीश जटा डग डेरू, उमर गाये वज्र की कोटड़ी वज्र का ताला, आगे अर्जुन पीछे भीम, चोर नार चंपे पे चंपे ने सीम, अजरा झरे भरिया भरे, ई घट पिंड की रक्षा राजा रामचंद्र जी, लक्ष्मण कुमार हनुमान करे। ओम हनुमान पहलवान, पहलवान बरस बारह का जवान, हाथ में लड्डू मुख में पान, खेल खेल गढ़ लंका के चौगान, अंजनी का पूत राम का दूत, छिण में कीलो नौ खंड का भूत, जाग जाग हनुमान हुंकाला, ताती लोहा लंकाला, शीश जटा डग डेरू, उमर गाजे वज्र की कोटड़ी वज्र का ताला, आगे अर्जुन पीछे भीम, चोर नार चंपे पे नेसीम, अजरा झरे भरिया भरे, ई घट पिंड की रक्षा राजा रामचंद्र जी, लक्ष्मण कुमार हनुमान करे। ये हनुमान जी का जंजीरा है और आप इसको जैसे ऊपर मैंने नियम बताया उसके अनुसार इसको सुनेंगे और जा करके मंदिर में जा करके उनका पूजन विधिवत करेंगे तो ये एक सिद्ध मंत्र है और एक बार भी जब कभी उच्चारण कर लिया जाएगा आपके द्वारा तो साहब भूत प्रेत डाकिनी शाकिनी नजर टपकार और शरीर की रक्षा के लिए ये बहुत सफल मंत्र है और ये आजमाया हुआ और अनुप्रयोग किया हुआ। Thank you.